Morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, a part of Unacademy, changing the way of learning, India के number one study channel में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो इसीलिए सबसे पहले good afternoon and warm welcome friends. जल्दी से फटाफट से आ जाइए. आकाश, शरद, पुष्पेंद्र, ब्यूटी, सागर, सत्या, सजवीर, प्रकाश, नेहा, कन्हैया, सभी को गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम फ्रेंड्स. तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, है ना. आप लोग बताते रहते हो कि हाँ मैं आपकी चैट भी पढ़ रहा था, आप लोग काफी सारी बातें कर रहे थे आपस में, है ना. बिल्कुल रिश्तेदारी वगैरह बिल्कुल बंद कर देनी है. अब पूरा फोकस कहां पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल नया, बिल्कुल सही कह रही हो आप लोग, है ना. बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई. अब दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डाइस. जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं ना कि यार नोटिफिकेशन आपको पहले मिल ही जाता है, तो डाइस हम लोग डिस्कस करेंगे. सारे बेसिक कंसेप्ट पहले बता दूंगा 15 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद धमाकेदार बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट से और पेन और पेपर ले लीजिए, है ना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होगा. दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करें, कम से कम टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करें, ये हमारा टारगेट रहेगा, है ना. बिल्कुल सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट से आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल, है ना फ्रेंड्स. क्लास स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग जो लेट आते हैं, अभी ऑब्वियसली बात है 2500-3000 तक लोग पहुंच जाते हैं ना, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, पंचुअल रहें, बिल्कुल सही टाइम पर आएं और क्लास स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल रेगुलर रहें, है ना. यानी पेन और पेपर साथ में लेकर बैठें, क्योंकि चीजें हाथ से निकल जाएगी, साथ के साथ लिख लोगे बेटर रहेगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. सही है कि नहीं है फ्रेंड्स. तो चलिए देखते हैं डाइस होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं. कोई मुझे डिफरेंस बताएगा डाइस और क्यूब के अंदर, डाइस और क्यूब में डिफरेंस क्या है? पासा और घन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइस एंड क्यूब? बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, चैप्टर का नाम ही क्लियर नहीं हो पाता कि डाइस क्या होता है, क्यूब क्या होता है. तो पहले मुझे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चाहिए इसका, कि डाइस क्या होता है, क्यूब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हमने सिलोज्म का चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 22 को उसको सही कर लेना, वो जल्दीबाजी में कुछ वो गलत टिक हो गया मेरे से, दोनों राइट होंगे. क्वेश्चन नंबर 22 जो कल वाला था, है ना, काफी लोगों को डाउट था उसके अंदर, तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 22 में बोथ आर करेक्ट, ठीक है. बाकी सब कुछ सही था, वो जल्दीबाजी में टिक हो गया, कोई इशू नहीं. चलिए अब देखिए दोस्तों यहां पे, है ना, डाइस और क्यूब, डाइस और क्यूब का डिफरेंस बताओ फटाफट से. What is the difference between dice and cube? ढंग से सुन लेना, यहां पर ढंग से सुन लेना इन चीजों के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं उनको, लेकिन चैप्टर ही क्लियर नहीं होता कि डाइस क्या होता है, क्यूब क्या होता है. याद रख लेना, क्यूब जो होगा वो 100% क्या होगा, ओनली मेड बाय स्क्वायर्स. ठीक है, ये स्क्वायर से ही मिलकर बना होता है, यानी वर्गों से मिलकर बना होता है. किससे मिलके बना होता है, वर्गों से. यानी कि अगर आप घन को देखेंगे तो घन सिर्फ और सिर्फ वर्गों से मिलकर बना होता है, यह चीज ध्यान में रख लेना. सही है कि नहीं, यानी कि सारी फेस सेम होगी.
आप जानते ही कि अगर ये स्क्वायर है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, विड्थ भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा वर्गों से मिलके बना होता है, लेकिन जो पासा होता है, डाइस होता है, वो वर्गों से मिलके भी बना हुआ हो सकता है, यानी कि स्क्वायर से मिलके भी बना हुआ हो सकता है और वो आयतों से मिलके भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है, यानी वो रेक्टेंगल से मिलके भी बना हुआ हो सकता है, ध्यान रख लेना ये चीज। हम जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अब देखना इधर, क्यूब जो होता है क्यूब पर नंबर लिखे हुए नहीं होते, ठीक है, इस पर नंबर नहीं लिखे हुए होते हैं, इसलिए ये क्यूब है। नंबर इज नॉट रिटन यहां पर, इस पर क्या होता है, नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इस पे नंबर लिखे हुए होंगे इसीलिए इसको डाइस बोला है, वो तो सब सेम ही रहेगा बाकी, तो सही है कि नहीं है। इस पर नंबर लिखे हुए नहीं होते हैं क्यूब पर, लेकिन डाइस पर नंबर लिखे हुए होते हैं 1 से लेके 6 तक, इसीलिए इसको डाइस बोला है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी चीज क्या, लूडो में जो खेलते हैं हम लोग वो क्या होता है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ डाइस होता है, लेकिन जो महाभारत हुई थी उसमें जो पासे यूज करे थे वो कौन से थे, आयतों से मिलकर बने हुए थे, लंबे थे, ध्यान रखना है ये चीज। तो दोनों के लिए अलग अलग कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट बिल्कुल एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जीवन में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो डाइस से रिलेटेड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर देखना, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखे हुए होंगे इसीलिए ये क्यूब है और ये पूरा का पूरा स्क्वायर से मिलके ही बना हुआ होगा, ध्यान रख लेना, ये आयतों से मिलके कभी भी बना हुआ नहीं हो सकता, क्या क्यूब। डाइस जो होता है ये स्क्वायर से मिलके भी बना हो सकता है और रेक्टेंगल से मिलके भी बना हो सकता है और इस पर नंबर लिखे हुए होते हैं 1 से लेके 6 तक, इसलिए ये क्या है, डाइस है, क्लियर है। अब देखना है यहां पर दोस्तों, अब आपको पता है कि डाइस जो पासा होता है वो दो टाइप का होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा जो डाइस होता है वो होता है साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। फिर स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड डाइस टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लोज्ड डाइस, ठीक है, बंद पासा, और ये हो जाता है ओपन डाइस, ठीक है, खुला पासा, ठीक है। ये अपने पास टोटल मिला के क्या है, ये उसके टाइप्स हो गए कि डाइस जो होता है दो टाइप का होता है, मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। फिर जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि साधारण पासा है, वो दो तरीके से बढ़ेंगे, बंद पासा और खुला पासा, ओपन डाइस एंड क्लोज्ड डाइस, क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सभी लोग, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बार जल्दी से फटाफट से रूल्स देख लेते हैं, सारे रूल्स में एक बार में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मानक पासा देख लेना क्या होता है, ठीक है, मानक पासा क्या होता है कि ये जो डाइस है, आज डाइस पढ़ने वाले हम क्यूब नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइस। तो डाइस के अंदर ये क्लोज्ड डाइस है, हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोज्ड डाइस जो होगा उस पर क्या होगा, यानी कि जो बंद पासा है, यानी उसकी अधिकतम 3 फलके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई भी जो बंद पासा होगा ना उसकी आप अधिकतम 3 फलके देख सकते हो, 3 फेस आपको दिखाई देगी, ऊपर वाली, आगे वाली और साइड वाली, ठीक है, मैक्सिमम 3 फेस आप देख सकते हो बंद पासे के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या क्या है ये सभी लोग जानते ही हैं, 6 फलके होती हैं, ठीक है, 6 फलक होती है यानी 6 फेस होते हैं, इसी तरीके से क्या होती है, 12 भुजाएं होती है यानी कि साइड्स होती है, इसी तरीके से 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे फिर भी देख लो, क्या होती है, 6 फलके होती है, 6 फेस होती है, 12 भुजाएं होती है, साइड होती है और 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी, किसकी, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासे की।
तो मानक पासे का रूल होता है कि मानक पासे की दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा, 7, ठीक है। सम ऑफ टू अपोजिट साइड, ऑलवेज बी 7। और जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस ही यूज करते हैं। आप हमेशा उठा के देख लेना लूडो का जो वो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसकी दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑलवेज बी 7, यानी कि दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अब एक एक पॉइंट में यहां पर क्लियर करने वाला हूं, पूरा ढंग से सुन लेना इधर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा, ठीक है, लेकिन दो अपोजिट फेस में से एक ही फेस आपको सामने दिखाई देगी। याद रख लेना यह चीज, दोनों फेस कब, दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। जैसे अब देखना ऊपर 1 है और मुझे पता लग गया कि दोनों फेस का सम कितना है, 7 है, तो 1 के अपोजिट डेफिनेटली कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, 1 के विपरीत कौन सी होगी, 1 के विपरीत होगी कौन सी, 6, है ना, 6 होगी। 2 के अपोजिट कौन सी होगी, तो 2 के अपोजिट कौन सी होगी, 5। और इसी तरीके से 3 के अपोजिट, ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगी, 4। तो इन सबका सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। लेकिन क्या दोनों अपोजिट फेस आपको एक साथ दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही है। और क्वेश्चन हमेशा याद रख लेना कि मैक्सिमम आज के टाइम पे वो वाला बन रहा है जो फेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो पीछे वाले का पूछेगा। सामने जो दिख रहा है भाई वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो पूछेगा किसके लिए, जो फेसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो वन बाय वन हम सब लोग सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इधर देखना। अब देखो दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेगी, लेकिन उनका सम कितना होगा, 7 होगा, यानी उनका योग 7 होगा। अब सामने दिखाई देने वाली फलकों में से किसी का भी योग 7 नहीं होगा, देख लेना इधर। अगर सामने अगर देखें तो इनका सम 7 नहीं है, 1+3 को देखें तो इनका सम 7 नहीं है, इसी तरीके से 2+3 देखें तो इनका सम 7 नहीं है। तो याद रख लेना कि जो सामने दिखाई देने वाली फेस है उनका सम कभी भी 7 नहीं होगा, किसके अंदर, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्लियर है कि नहीं है सभी को, है ना दोस्तों। सामने दिखाई देने वाली फलकों में किसी का भी योग 7 नहीं होगा, तभी तो दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा, सही है। अब देखना यहां पर दोस्तों, इस जगह पर समझना, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात आती है। जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड डाइस की पहले मैं बात कर लेता हूं पूरी कंप्लीटली यहां पर। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, इसी तरीके से अगर मैंने लिखा यहां पर 4, 5, 6, ठीक है, तो देखो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, मानक पासा है, और ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, मानक पासा है। तो अगर अगर सामने सिर्फ देख के पता लगाना हो, तो सामने देख के अगर पता लगाना हो तो 1+2 का सम 7 नहीं है, है ना, 1+3 का सम 7 नहीं है, ऐसे ही 2+3 का सम 7 नहीं है। तो इसी तरीके से अगर इस डाइस को देखें तो भले से ज्यादा हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सम भी 7 नहीं है, इसका सम देखो 7 तो नहीं है ना, ज्यादा है भले से, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बस 7 नहीं होना चाहिए। सामने दिखाई देने वाली फलकों में से किसी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जो फ्रंट में आपको कोई सी भी दो साइड का सम है वो नेवर बी 7, ठीक है, कभी भी 7 नहीं होगा, याद रख लेना, किसके लिए, स्टैंडर्ड डाइस के लिए। अब इसी तरीके से साधारण पासा क्या होता है, ठीक है, इसमें अपोजिट होगा, साधारण पासा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर देखना दोस्तों, जैसे ये ले लिया मैंने, तो अब देखो यहां पर ये है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता लगाया नॉन स्टैंडर्ड डाइस, भाई नॉन स्टैंडर्ड डाइस के साधारण पासे की दो विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, लेकिन सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 दिख गया, 1+6, सामने अगर 7 दिख गया, सामने अगर 7 दिख गया, फ्रंट में 7 दिख गया, तो क्या अपोजिट फेस पर, अपोजिट फेस पर 7 हो सकते हैं क्या, टोटल मिला के अपोजिट फेस का सम 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो क्यों, क्या ये 6 अब नीचे हो सकता है क्या,
अगर 6 सामने दिखाई दे रहा है तो 6 कभी भी नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर ये 6 नीचे हो जाता तो दो बार 6 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। 6 टू टाइम्स तो नहीं आ सकता, इसलिए 6 नीचे नहीं हो सकता, 6 यहां पर है। तो सामने दिखाई देने वाली 2 फेस का सम कितना हो रहा है, 7। यहां पर भी देखो सामने दिखाई देने वाली 2 फेस का सम 7 है, तो नीचे वाली फेस पर अपोजिट फेस पर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 यहीं पे दिखाई दे रहा है सामने, सही है कि नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा डाइस है, ये आपका साधारण पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों, सभी को क्लियर है? ओके, चलो अब देखो इधर, ये सारी चीजें बेसिक्स आपको क्लियर है। अब देखो कंपेरिजन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंपेरिजन यानी कि तुलना किस तरीके से होगी डाइस की। अब देखो यहां पे आपको दो तरीके क्वेश्चन देखो कहां कहां मिलेगा। कंपैरिजन जब आपको मिलेगा तो आपको देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्वेश्चन क्या क्या मिल सकता है। पहले ये देख लो, सबसे पहले सिंगल डाइस दे सकता है आपको, क्या दे सकता है, सिंगल डाइस दे सकता है। दूसरा आपको क्या दे सकता है इसके अंदर, ठीक है, टू डाइस दे सकता है। तीसरा आपको मोर देन टू दे सकता है, सही भाई, डाइस चैप्टर से क्या क्या दे सकता है, या तो सिंगल डाइस दे देगा आपको और चार ऑप्शन बना देगा, या तो दो डाइस दे देगा, या फिर दो से ज्यादा, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पांच भी दे सकता है, कितने भी डाइस दे सकता है, और लास्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, ओपन डाइस। तो मैक्सिमम 4 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, बस याद रख लेना। कुल मिला के आपको कितने 4 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, कितने, सिंगल डाइस, टू डाइस, मोर देन टू, मोर देन टू मतलब तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, या फिर वो ओपन डाइस खुला डाइस दे सकता है। तो मेनली डाइस से कुल मिला के जितनी भी किताबें आप लोग उठाओगे, जितने भी टेस्ट पेपर्स उठाओगे, हमेशा मैक्सिमम 4 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंगल डाइस उतना ही था, ओपन डाइस उतना आपने देख लिया, स्टैंडर्ड डाइस क्या था उसके बाद हमने पढ़ लिया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा क्या था। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से होगा, सारी चीजें यहां पर क्लियर कर रहा हूं, देख लेना इधर, ठीक है, कि टू डाइस जब भी देगा भाई ऑब्वियस ही बात है कंपैरिजन किस में होगा, टू डाइस में ही तो होगा। कंपैरिजन देखना, तुलना देखेंगे अब, व्हेन टू डाइस आर गिवन। अब एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पर ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा आंसर, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है, ऑप्शंस मस्ट है भाई, ठीक है, आंसर जो होगा आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, ये हमेशा याद रख लेना। अब जैसे भले से कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर, जैसे यहां पर देख लिया, अब इसमें भी टू डाइस तो ले रहे हैं, लेकिन टू डाइस में भी क्या, व्हेन वन नंबर और लेटर इज कॉमन, ठीक है, जब वन नंबर और लेटर क्या होगा, कॉमन होगा, देखना यहां पर, जैसे ये दे दिया उसने 1 2 3 एंड 1 4 5, तो कौन सा नंबर कॉमन है, फर्स्ट वाला नंबर कॉमन है। तो ये चीजें आपने पढ़ रखी होगी बहुत अच्छे से, कि जब भी किसी भी दो डाइस के अंदर दो नंबर, दोनों में से एक नंबर अगर कॉमन होगा, ठीक है, देखना ध्यान से, दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, और अगर मेरे को अपोजिट फेस ज्ञात करनी है, विपरीत फलके ज्ञात करनी है, विपरीत फलक यानी कि अपोजिट फेस अगर फाइंड करनी है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो इसको भी फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, ये आपकी इच्छा है। जैसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो इसके अंदर देखो प्रोसेस क्या बनेगा, 1 2 3, है ना, और यहां से अगर इसको प्रोसेस देखेंगे तो क्या बनेगा, 1 4 और 5। तो देखना इधर, 3 के अपोजिट कौन हो गया 5, 2 के अपोजिट कौन हो गया 4, और अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर 6 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो नंबर दिखाई नहीं देगा वो हमेशा कॉमन वाली साइड के अपोजिट होगा। तो 6 अपोजिट होगा किसके, 1 के अपोजिट होगा, 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको
अच्छे से पता नहीं है तो एक बार फिर भी देख लेना है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए यहां पर कुछ लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अब देखो गलती कहां हो सकती है, आपकी सोच कहां पर बदल सकती है कंपैरिजन करते टाइम पे, ये देख लेना ठीक है। कंपैरिजन टाइम पे आप लोग कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हो कैसे कि यार ये 1 2 3 ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास कौन सा है, ये कौन सा डाइस है जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है ना, ये मानक पासा है बिल्कुल। और अब देखो अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ दे दिया, किसके साथ, स्टैंडर्ड डाइस के साथ, ठीक है, तो ये वैलिड कंपैरिजन होगी ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, सही है कि नहीं, कंपैरिजन इनका हो सकता है, कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड्स में भी हो सकता है, जैसे 1 2 5 और ऐसे यहां पर ले लिया 1 3 4 ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड यानी कि साधारण पासा है, कौन सा पासा है, साधारण पासा। तो वहां पर आपको सोचना नहीं है कंपेयर टाइम पे कि उसने क्या दिया हमको, ठीक है ना। देखो इधर अब एक कंपेयरी, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड भी दे सकता है, जैसे ये स्टैंडर्ड दे दिया और एक दे दिया आपको नॉन स्टैंडर्ड, जैसे ये दे दिया ठीक है आपको, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज भी दे सकता है और कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी करवा सकता है। देखो आपकी सोच कहां पे बदल सकती है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। देखो कंपैरिजन टाइम पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के बीच में भी करवा सकता है, कंपैरिजन वो नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी करवा सकता है, या फिर कंपैरिजन वो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बीच में भी करवा सकता है, ये चीज ध्यान रख लेना ठीक है। आप बिल्कुल भी अपने दिमाग को ये नहीं सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार एक स्टैंडर्ड दे दिया और एक नॉन स्टैंडर्ड दे दिया, हाउ इट पॉसिबल, सही है, दोनों स्टैंडर्ड देने चाहिए या दोनों उसको नॉन स्टैंडर्ड देने चाहिए या फिर उसको क्या स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दे दिया, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है। यहां पर आपकी सोच बदल सकती है, वहां पे आप रुक सकते हैं, तो रुकना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर एक नंबर कॉमन होगा तो उसको पकड़ के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दोगे और फाइंड कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज ध्यान रख लेना यहां पे। समझ में आ रहा है कि सभी को समझ में आ गया तो थम्सअप कर दो फटाफट से, क्वेश्चन अभी कराएंगे, पहले चीजें देख लो कि कहां पर दिक्कत हो सकती है ठीक है। क्या पे आपको कंपैरिजन में क्या दे सकता है, वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड दे सकता है, नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण भी दे सकता है दोनों, या फिर वो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड भी दे सकता है, तीन कंडीशन बनेगी कंपैरिजन टाइम पे, सब कुछ आ सकता है उसमें ठीक है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि यहां पर यार ये कैसे दे दिया डाइस। अब देखो यहां पर दूसरी चीज समझना, जब दो नंबर कॉमन होंगे, When two number or letter are common, तो इसको देखना दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर दो नंबर कॉमन होंगे तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, अगर दो नंबर कॉमन है तो इसको हटा देंगे हम लोग ठीक है, दोनों को जो कॉमन नंबर है उनको हटा दिया। अब जो हटा दिया तो बचा कौन सा, वन, सही है, तो वन के अपोजिट तो कौन हो गया, फोर, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है। जो अगर दो नंबर अगर आपके पास में कॉमन है या दो लेटर कॉमन है या दो सिंबल कॉमन है तो आपको करना क्या है, उन दोनों को हटा देना है, दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वो आपको क्या करना है, लेना है, यानी वन के अपोजिट क्या हो गया, फोर। अब देखिए सामने, यानी इस चीज को समझना, यहां पर क्या दो और तीन एक दूसरे के कभी अपोजिट हो सकते हैं क्या, सामने दिखाई देने वाले अंक कभी भी एक दूसरे की विपरीत फलकों पर नहीं हो सकते, याद रखना एक चीज। जैसे कि मान लो मैंने एक डाइस बनाया है 1 2 3 ठीक है, तो देखना इधर 1 2 के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता, 1 3 के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता,
इसी तरीके से जैसे 1, 2, 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, तो जो नहीं दिखाई देने वाले नंबर हैं कौन से, 4, 5, 6, वो भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे सामने दिखाई देने वाले अंक एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, उसी तरीके से जो सामने नहीं दिखाई देने वाले अंक हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो देखना इधर, 1 के अपोजिट 4, ये तो पता लग गया। अब सामने दिखाई देने वाले अंक तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे ना, यानी 1, 2 और 3 ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, इन दोनों में अब ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 5 और 6, सही है कि नहीं है? यानी 1 के अपोजिट 4 ये तो कंफर्म हो गया, 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से जो नहीं दिखाई देने वाले नंबर हैं कौन से, 5 और 6, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली फिर 5 किसके अपोजिट आ सकता है, 5 आ सकता है 2 के अपोजिट, तो डेफिनेटली फिर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि 2 के अपोजिट 6 हो और 3 के अपोजिट 5 हो। यह तो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि जब हमें ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, किस तरीके से हमें आंसर टिक करने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो इधर, तो क्वेश्चन जो हिडन वाला होता है ना वहां से बनता है आजकल, जो सामने दिखाई दे रहा है उससे नहीं बनेगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन यहां से बनेगा कि 5 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट क्या है, ये चीजें ध्यान में रख लेना, ठीक है? अभी सारी चीजें पहले बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, फिर धमाधम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कल भी हम लोग इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओपन डाइस वगैरह सब कुछ। तो पूरी चीजें यहां पर देखो, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे अगला देखना, इधर आपने अभी यहां पे 2 नंबर कॉमन थे उसका कंपैरिजन पढ़ा, अब बारी आती है किसकी, जब 9 कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, ठीक है? ठीक है, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं अपन, व्हेन 2 डाइस गिवन, लेकिन इसके अंदर थर्ड कंडीशन है कि 9 कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं हो। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या सिचुएशन बनेगी, सोच के देखो एक बार। जैसे उसने ले लिया 1, 2, 3 और यहां पर ले लिया 4, 5, 6, क्लियर है? ये ले लिया उसने भाई, 2 डाइस ले लिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई ध्यान रख लेना, अब यहां पर क्या इनका कंपैरिजन हो सकता है क्या, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या इन दोनों डाइस का कंपैरिजन हो सकता है? पूरा फोकस यहां पे रखना, जबरदस्त तरीका और जबरदस्त चीज बता रहा हूं, यहां पर देख लेना। अगर आपने ये लिया है 1, 2, 3 लिया है, ठीक है, क्या लिया है, 1, 2, 3 एक डाइस पर, यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड डाइस लिया है। कौन सा स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा लिया है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मानक पासा ही बन जाएगा, याद रख लेना ये कंडीशन, ऑटोमेटिकली मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 अगर एक पे ले लिया और कोई भी कॉमन नहीं है, तो बचे हुए दूसरे वाले डाइस पर क्या आएगा, 4, 5, 6 आएगा, और अगर 4, 5, 6 आएगा तो ये भी स्टैंडर्ड हुआ, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी तो स्टैंडर्ड होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमेशा याद रख लेना, फर्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि जब भी आपके पास दोनों डाइस का कंपेयर करोगे और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये डेफिनेटली कौन हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, तो स्टैंडर्ड डाइस में हम अपोजिट फेस निकालना जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलके किस तरीके से निकालते हैं। तो डेफिनेटली एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक के अपोजिट हो जाएगा कौन सा, 6, सही है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 विपरीत फलकों का यो, सॉरी 2 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, तो 2 के अपोजिट हो गया 5। और इसी तरीके से जो 3 है, 3 के अपोजिट आपके पास हो जाएगा कौन सा, 4, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया, क्या रूल हो गया कि 9 कॉमन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कंडीशन देख लेना क्या बनेगी, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड है तो डेफिनेटली दूसरा भी स्टैंडर्ड ही होगा, डेफिनेटली 100% स्टैंडर्ड होगा। और स्टैंडर्ड में हम जानते हैं कि कौन किसके अपोजिट होता है, 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, पर अब ले रहा हूं मैं कौन सा डाइस, इस तरीके से कंडीशन वही है, 9 कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है और डाइस मैंने ये लिया, देखना ये वाला डाइस ले लिया इस बार मैंने, 1, 6, 3 ले लिया मैंने, मैंने एक इस बार ले लिया नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा ले लिया,
अब अगर नॉन स्टैंडर्डाइज अगर मैंने ले लिया है ना 165 और कुछ भी कॉमन नहीं है तो बचे हुए पे क्या क्या आएगा, बचे हुए बताओ, एक छह और तीन तो यहां पे आ गया, तो बचा कौन, दो बचा, एक चार बचा है और एक क्या बचा है, पांच बचा है, यही तो आएगा। तो डेफिनेटली अगर मैंने एक साधारण पासा लिया तो दूसरा भी साधारण पासा ही बनेगा भाई, याद रख लेना, नॉन स्टैंडर्डाइज ही मिलेगा यहां पे हमको, ठीक है, दूसरा भी साधारण पासा बनेगा। अगर एक मानक पासा लेंगे, अगर एक मानक पासा लेंगे तो दूसरा भी मानक पासा ही बनेगा, याद रख लेना, और अगर एक साधारण पासा लेंगे तो भैया दूसरा भी डेफिनेटली क्या बनेगा, साधारण पासा बनेगा, यानी कि वो अगर ये अपन ने ले लिया नॉन स्टैंडर्डाइज तो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, क्योंकि देखना इधर सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग सात हो गया है तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, यहां पर भी सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग सात है तो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब कैसे पता लगाएं, जैसे मुझे ज्ञात करना है एक के विपरीत कौन होगा, एक के विपरीत, एक के अपोजिट कौन होगा भाई, अगर इस तरीके से मुझे फाइंड करना है कि एक के अपोजिट, कि एक के अपोजिट क्या है, तो जल्दी से बताओ भाई एक के अपोजिट क्या होगा, रुक्मणी अगर आप ऐसे ही लेट हो गए तो देखो कुछ नहीं हो सकता, मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको, क्योंकि पूरा बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया, वापस से आप वीडियो देखना आराम से, ठीक है, नो कंपैरिजन चल रहा है अब, अब देखो एक के अपोजिट यहां पर लोग जो आंसर बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, एक के अपोजिट सिक्स, एक के अपोजिट टू, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आंसर डिपेंड करेगा टोटली ऑप्शंस पर, मैंने बोला ना आंसर टोटली किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पर। अब देखना इधर वास्तव में होता क्या है कि भैया मुझे इतना तो पता है कि एक के अपोजिट छह तो नहीं हो सकता, एक के अपोजिट तीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामने दिखाई देने वाले जो नंबर हैं वो तो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, एक के अपोजिट छह नहीं हो सकता, एक के अपोजिट तीन नहीं हो सकता, तो भैया एक के अपोजिट एक भी नहीं हो सकता, याद रख लेना, नहीं हो सकता ना, क्लियर है कि नहीं है। अब भैया आप देखो इधर कौन से अंक जो है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब दूसरे वाले पासे पर कौन सा हो रहा है, दो चार और पांच, ठीक है, अब एक के अपोजिट दूसरे वाले पासे का कोई भी अंक हो सकता है, यानी एक के अपोजिट दूसरे वाले पासे का चार भी हो सकता है, तो भैया दूसरे वाले पासे का दो भी हो सकता है, तो दूसरे वाले पासे का पांच भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि उसने इस तरीके से दिया, देखना इधर, जैसे वो एक के अपोजिट अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दे, पहला ऑप्शन मान लो उसने ए दे दिया, वन दे दिया, दूसरा ऑप्शन उसने आपको क्या दे दिया, ऐसे दे दिया अगर आपको उसने ऑप्शन, अगर उसने एक के अपोजिट के आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए 1, 6, 2 और 4 ऐसे दे दिया, यानी वो चाहता है कि आप एक ऑप्शन टिक करो और बताओ तब आप क्या करेंगे। मैंने कहा ना ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल ये हो सकता है चार भी हो सकता, आंसर तो ये बनेगा 2 या 4 या 5 ये बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर उसने ये दे दिया आपको कि एक के अपोजिट ज्ञात करो कि एक के विपरीत क्या होगा और आपको ऑप्शन ये दे दिए, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, क्वेश्चन ये एक के विपरीत और ऑप्शन ये दे दिए उसने, भाई सीधी सी बात है एक के अपोजिट एक तो नहीं हो सकता तो ये तो क्रॉस, एक के अपोजिट सिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ ही आ रहा है। अब ऑप्शन में सी ऑप्शन में 2 है और डी ऑप्शन में 4 है और वो पूछ रहा है आपसे कि 2 और 4 में से टिक करो, तो एक चीज ध्यान रख लेना, अब यहां पर
अगर वो चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आपको एक ऑप्शन फिर भी बताओ, कोई कंपैरिजन नहीं है और फिर भी आप एक ऑप्शन वो चाहता है कि बताओ एक के अपोजिट क्या होगा, तो याद रख लेना ऊपर वाले के अपोजिट कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी। फ्रंट वाली, आगे वाले के अपोजिट कौन सी होगी, आगे वाली फलक होगी उसके विपरीत। साइड वाली फलक के विपरीत भैया कौन सी होगी, साइड वाली होगी, ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है। ये भी हो सकता है कभी कभी, अगर वो फिर भी चाहता है कोई कंपैरिजन नहीं है और फिर भी एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ही ऑप्शन टिक करो, तो भैया पहले वाले पासे के विपरीत दूसरे वाले पासे का कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी वो ऑप्शन टिक करवाना चाहता है तो एक को देख लो, एक कौन सी फेस पर आ रहा है, आगे वाली पे आ रहा है, तो दूसरे वाले पासे की आगे वाली फलक कौन सी है, दो, तो आंसर क्या बनेगा, दो बनेगा, फोर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें ध्यान रख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल आंसर ये है कि एक के अपोजिट दो या चार या पांच, यानी दूसरे वाले पासे का कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी वो आंसर टिक करवाएगा तो ध्यान रख लेना ऑप्शन, फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, कंपैरिजन आपको समझ में आ गए, हम लोग क्वेश्चंस पर चले हम लोग, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए, फटाफट से थम्स अप कर दो और बता दो क्वेश्चंस के लिए रेडी हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने दोस्तों, विच लेटर बी अपोजिट टू दी लेटर डी, ठीक है। चार डाइस हैं आपके पास, तीन या चार कुछ भी दे सकता है वो, दो तीन चार कुछ भी दे सकता है। अब आपको फटाफट से बताना है कि इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है। किसके अपोजिट, लेटर डी के अपोजिट क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बेस्ट कंपैरिजन बताओ किसका करोगे। डी के अपोजिट पूछा है तो सबसे पहले वो ढूंढ लो, कौन सा ढूंढोगे, सिर्फ वो ढूंढ लो जिसके ऊपर हमको क्या करना है, एक नंबर एक अक्षर कॉमन हो। तो डी देख लो, डी सी इसमें आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है क्या कॉमन, इसमें एक नंबर एक कौन कॉमन आ रहा है, सी और ई आ रहा है इसमें कॉमन, तो वैसे भी डी के अपोजिट पूछा है तो अपन डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। सी और ई को अगर आप कट कर लोगे, सी और ई को कट कर लो खत्म, तो हमसे डायरेक्टली निकल कर आ गया ए, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। लेटर डी के अपोजिट क्या हो गया, ए, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू, फटाफट से अब देखते हैं कितनी स्पीड से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू फटाफट से, एफ के अपोजिट कौन होगा, एफ के अपोजिट देख लो, एफ के अपोजिट कौन है भाई, चार आपके पास कौन है, ढाई से, और आपको बताना है कि एफ के अपोजिट कौन है, देख लो ना किसमें क्या कॉमन है, ऐसे डाइस देख लो जिनमें एक ही अक्षर आपके पास आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे कि इसके अंदर आ रहा है सी, फर्स्ट और थर्ड में अगर कंपैरिजन करें इसमें सी आ रहा है, इसको पकड़ के घुमा दोगे, इसको पकड़ के भी घुमा दोगे। अब इसमें इन दोनों में देखो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, फर्स्ट और थर्ड में सारे दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी ई, एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो जो दिखाई नहीं देगा वो कॉमन वाले के अपोजिट आएगा, यानी सी के अपोजिट कौन हो, एफ के अपोजिट कौन होगा, सी, सी ऑप्शन में ही सी है, या फिर आप पूरा भी कर सकते हो सी ए ई, इसको जमा के करोगे तो क्या बनेगा, सी डी बी, तो ए के अपोजिट डी, ई के अपोजिट बी, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कॉमन वाले के साथ आ जाएगा, यानी कि एफ दिखाई नहीं दे रहा तो एफ सी के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी होते हैं, जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब देखो यहां पे 126 154 165 261, चलिए फटाफट से बताइए, वन के अपोजिट कौन होगा, फटाफट से जल्दी से जल्दी जितना फास्ट आप लोग कर सकते हैं, वन के अपोजिट बताइए कि वन के अपोजिट क्या होगा दोस्तों। अब देखिए वन यहां पर कॉमन है, ये यहां पे वन कॉमन है, ठीक है, और इसको पकड़ के घुमाएंगे, कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, थ्री दिखाई नहीं दे रहा ना, तो डायरेक्टली करो, अपन को करने की जरूरत क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वन के अपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों का कंपेयर किया, थ्री दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है थ्री आ जाएगा, सही है कि नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहा वो कॉमन वाले के अपोजिट आता है, तो वन के अपोजिट क्या हो गया, थ्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है। अब वो पूछ रहा है आपके आपसे,
अल्फाबेट बी के अपोजिट क्या होगा? अल्फाबेट बी के अपोजिट क्या होगा भाई? बी के अपोजिट जल्दी से बताओ। तो देखो इधर सी और डी, इसको अगर कट कर दें, ये डायरेक्टली दिख रहा है, सी और डी को कट कर दें तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। जब दो कॉमन होंगे तो उनको कट करने के बाद आ जाएगा, तो बी के अपोजिट ई, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है ना? चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे दमादम अरे क्वेश्चंस की झड़ी लग गई है अब तो, फटाफट से बेसिक हो गया, आप क्वेश्चंस करने हैं फटाफट से, देखते हैं कितना फास्ट आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, यही तो मजा है कि नहीं दोस्तों? चलिए फटाफट से बताइए। अब यहां पर वो बोल रहा है कि हैविंग सी अपोजिट द फेस हैविंग सी, सी के अपोजिट क्या होगा? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, कितना फास्ट आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सी के अपोजिट क्या होगा भाई? सी के अपोजिट बोला है, सी के अपोजिट। अब देखो जेड वाई यहां आ रहा था, सी के अपोजिट बोला है ना, तो ये ले लिया हमने, इसको कंपेयर में लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई कैंसिल किया, यहां से इस फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर किया, एक्स वाई कैंसिल किया, तो कौन आ जाएगा? जेड। सही है कि नहीं है? सी के अपोजिट कौन आ गया? जेड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब बताना है आपको F के अपोजिट कौन है? Who appear opposite to the F? F के अपोजिट कौन है जल्दी से बताओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको चीजें डायरेक्टली दिखें। कल आपको वो सारे ट्रिकी क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें आपको काफी दिक्कत होगी, इसीलिए आज बेसिक कंसेप्ट्स और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, F के अपोजिट कौन होगा जल्दी से बताओ, F के अपोजिट। अब वो बोल रहा है कि F के अपोजिट फाइंड करना, E मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं? इसको पकड़ के राउंड कर दिया, इसको पकड़ के राउंड कर दिया, तो जल्दी से यहीं पर देख लो क्या बनेगा सीक्वेंस, E C D और यहां बनेगा E A F। तो उसने बोला था F के अपोजिट कौन है, तो F के अपोजिट कौन आ गया? D, D इज द, ठीक है, F के अपोजिट ही पूछना, विच अल्फाबेट F अपीयर, किसके अपोजिट F आएगा? डी एफ के अपोजिट आना चाहिए, एफ के अपोजिट डी आना चाहिए यार। चलो इसमें क्वेश्चन को देख लेंगे इसको, है ना, एक ऑप्शन कर लेना डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेवन, चलो बनाओ फटाफट से बनाओ। थ्री, थ्री के अपोजिट, थ्री के अपोजिट फाइंड करना है फटाफट से, कि थ्री के अपोजिट क्या होगा? देखो इधर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिक्स। इसको पकड़ के राउंड किया, इसको पकड़ के राउंड करोगे, ठीक है, तो सिक्स फोर फाइव और ये सिक्स फोर थ्री और ये बनेगा सिक्स फाइव टू, तो टू और थ्री एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो थ्री के अपोजिट टू, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब आया ढंग का क्वेश्चन, अब आया है बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अब बताओ भाई? अब ऑप्शन आपके सामने ही है, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर एट का सही से जवाब देते हैं। आंसर टू दिखाई दे रहा है, आंसर फोर दिखाई दे रहा है, अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आया ना क्वेश्चन तगड़ा, बढ़िया क्वेश्चन आया ना, जबरदस्त क्वेश्चन आया। क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है अब भैया मिसिंग कर दिया, अब वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखेंगे, कॉमन देख लेते हैं सबसे पहले क्या है दोनों में, दोनों में जो कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड का कंपेरिजन किया, सिक्स से थ्री, थ्री से वन, वन से सिक्स,
6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। कंपेयर किया, देखो क्या निकल के आएगा, 6, 3, 1, यहां पर क्या निकल के आया, 6, 2, 4, तो 1 के अपोजिट कौन आ गया, 4, 3 के अपोजिट 2, और जो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, फटाफट से बताओ, है ना, तो यहां आ जाएगा 6 के अपोजिट कौन, 5, ये तो क्लियर हो गया, सही कि नहीं है। अब देखना है यहां पर, अब वो पूछ रहा है कि यहां पर क्या, अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट निकल के आया कि 5 के अपोजिट कौन है, 6 है, ठीक है, तो अगर 5 यहां आ रहा है, 5 यहां आ रहा है, तो इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, 6, अपोजिट 6 हो जाएगा, सही है कि नहीं, 5 के अपोजिट, 5 यहां है ना, तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट कौन है, 4, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, उधर की साइड 4 आ गया, सही है कि नहीं है। अब बचा कौन, पेयर में कौन बचा, पेयर में कौन बचा है, 2 और 3, ठीक है, ये वाला बचा है भाई, 2 और 3, तो डेफिनेटली यहां पर या तो 2 आएगा या फिर यहां पर 3 आएगा, क्योंकि यहां से ये तो क्लियर हो गया कि 1 के अपोजिट कौन हो गया, 4, 1 के देखो 6, 3, 1, ये बनाया ना हमने, 6, 3, 1, फिर नेक्स्ट क्या बनाया हमने, 6, 2, 4, 6, 2, 4, तो 3 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, ठीक है, तो 1 के अपोजिट 4 लिख दिया, ऐसे ही 6, किसके अपोजिट है, 5 के, तो 5 के अपोजिट 6 लिख दिया, तो बचा कौन, 2 और 3, तो यहां पर या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है ना, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, 6 और 4 तो नहीं आएंगे, ये तो हट गया। अब बताओ कौन सा आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, जल्दी से बताओ, इस जगह पर कौन आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, अब कैसे पता लगेगा, अब देखो यहां पर कैसे पता लगेगा, अब इसको देखना, यहां पर ध्यान से देखना, 6, 6, 1 और ऊपर आ गया 3, देखना इधर ध्यान से देखना, 6, 1, 3, अब यहां पर देखना, ये अपोजिट साइड पर इस तरीके से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान से देख लेना, 6 से 1, फिर 1 से 3, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर, घड़ी की विपरीत दिशा, सही है कि नहीं है, घड़ी की विपरीत दिशा आपको दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 6 से 1, 1 से 3, तो इस साइड पर 6 है ना, इस साइड पर 6, तो देखना 6 से 1, फिर 1 से क्या बनेगा, 3, तो इस जगह पर क्या आएगा, 3, फिर 3 से वापस 6, देख लो 6 से 1, 1 से 3 और फिर 3 से 6, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर ये प्रोसेस बन रहा है, या क्लॉकवाइज में देखोगे, क्लॉकवाइज में ऐसे बनेगा 6 3 1, तो देख लो 6 3 1, 6 3 1 ले लो या 6 1 3 ले लो, ये प्रोसेस बनेगा, तो ऊपर वाली फेस पर क्या आएगा, 3 आएगा, जो बी जो 2 आंसर कर रहे ना वो बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रख लेना, यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसी चीजों में अपन लोग दिक्कत कर लेंगे, तब वहां पर अपन को क्या देखना होता है, सर्किल देखना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे, अगर इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज देखेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखा है तो फिर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया, ठीक है, ओके बहुत ही बढ़िया, चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अब अगला क्वेश्चन वापिस से आपके पास क्वेश्चन मार्क वाला ही है, अगला क्वेश्चन वापिस से क्वेश्चन मार्क वाला है, अब आएगा मजा, अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं क्वेश्चन को, अभी तक इजी इजी कर रहे थे ना, ठीक है कि यार सर इजी है तो इजीली हो जाएगा ये हम कर लेंगे, अब वापस से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लें, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो, एग्जाम में हमें पूरे नंबर चाहिए, आरपीएफ हमारा होना चाहिए, डेफिनेटली श्योर है, सही है कि नहीं है, तो फटाफट से अब जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, वापिस देख लेना, वापिस से समझाऊंगा, अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन है डिवाइड, ठीक है, तो जो कॉमन है ना पहले उसको पकड़ के घुमा दो, उसको पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो प्रोसेस क्या बनेगा, फटाफट से देखो, देखो प्रोसेस क्या बनेगा, डिवाइड, डिवाइड से फिर क्या है इक्वल, और फिर इक्वल से क्या है ट्राइंगल, ठीक है, तो यहां पर प्रोसेस क्या बनेगा, डिवाइड, फिर क्या है मल्टीप्लाई, और फिर है ओ बन रहा है ना, ऐसे सर्किल बन रहा है, तो देखो इतना तो समझ में आ गया कि ट्राइंगल के अपोजिट हो गया सर्किल, इक्वल के अपोजिट हो गया मल्टीप्लाई, और कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा स्क्वायर दिख रहा है हमको, यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, तो भैया भाग के अपोजिट आ गया, यानी कि डिवाइड के अपोजिट आ गया स्क्वायर, सही है कि नहीं है, ये हमें समझ में आ गया, ये हमने प्रोसेस बना लिया, अब बात करते हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा, देखो
स्क्वायर के अपोजिट तो डिवाइड है ना, स्क्वायर के अपोजिट डिवाइड है, यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर वर्ग दिख रहा है, तो भैया इसके अपोजिट तो डिवाइड है, ये बना दिया। इसके अपोजिट वाली फेस पर क्या आएगा, इधर वाली फेस पर स्क्वायर है तो इधर वाली फेस पर डिवाइड आएगा, ये बना दिया डिवाइड। ठीक है, अब देखो सर्किल के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल। सर्किल के अपोजिट ट्राइंगल है, अगर आगे आगे सर्किल आ रहा है, गोला आ रहा है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ट्राइंगल होगा, ये बना दिया है। अब देख लो ऐसा कोई आपके पास डाइस दिखाई दे रहा है क्या, इन दोनों डाइस में कौन सा ऐसा डाइस है जिसके पास में या तो डिवाइड के साथ ट्राइंगल आ रहा हो, सॉरी डिवाइड के साथ सर्किल आ रहा, गोला आ रहा हो, और या फिर ट्राइंगल के साथ, देखो इसके पास वाली ये है तो ट्राइंगल के साथ आपको कोई सी प्रोसेस देख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखना चाहिए। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप इस वाले को देखोगे, इसको देखना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, अगर डिवाइड से गोले पर जा रहे हैं तो फिर गोले से आगे मल्टीप्लाई आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में यह प्रोसेस बनना चाहिए, डिवाइड सर्किल मल्टीप्लाई। तो देखना यह डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड से यह सर्किल, और फिर सर्किल से इस जगह पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और फिर वापस से मल्टीप्लाई से डिवाइड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर यह क्रम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो सेम टू सेम ये भी हम यहां पर अप्लाई करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर यह प्रोसेस चलेगा, यानी डिवाइड से गोला, गोले से फिर मल्टीप्लाई, तो जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ये रॉन्ग हो गए, बस खत्म। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त, मजा आ गया यार, मजा आ गया, देख के ही मजा आ गया यार, सीरियसली मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का ए आंसर है, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ गया, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है कि नहीं, बोलते ही क्वेश्चन समझा दे, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आराम से वीडियो देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, कल धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है, आज बेसिक के साथ साथ इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, ठीक है ना, तो बिल्कुल दोस्तों रेडी हो जाओ अब कल के सेशन के लिए, कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सोल्व करने, ठीक है, और ये मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आज बहुत मेहनत करी, जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं हार की शुरुआत होती है, तो आप अपना धीरज मत खोइए और अपना कदम फिर से उठाइए दोस्तों, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है ना, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आरपीएफ हमारा होगा डेफिनेटली, है ना दोस्तों। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगी आपको वाईफाई स्टडी की एप से डाउनलोड कर लेनी है फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।